हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इन्फो अनिल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दयालवाग के इंटरव्यूज़ की, जो कि अभी हाल ही में होने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी इंटरव्यू में अपियर होने वाले हैं फॉर द एडमिशन इन दयालवाग कॉलेज, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो भी इंटरव्यू होने वाले हैं, जो भी GDs होने वाले हैं दयालवाग में, वो सभी ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं थ्रू द गूगल मीट एप्लीकेशन। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा जो कि आपको आपके इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे। थिंग जो आपको करना है, वो आपको अपना सेटअप चेक करना है। मींस जिस भी लैपटॉप में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस भी फोन में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको चेक करना है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। आपका माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आपका कैमरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, नेटवर्क कनेक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके इंटरव्यू से पहले चेक कर लेनी चाहिए, एंड जिससे कि आप जब भी इंटरव्यू दें तो आपको बीच में कोई परेशानी ना आए। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड टिप है वो है प्रॉपरली ड्रेस्ड। तो जब भी आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो, तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल एक अच्छा होना चाहिए। मीन्स यू शुड वियर सम फॉर्मल ड्रेस एंड योर हेयर शुड बी कॉम्ब। तो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, सो दिस एक्चुअली डू इन दिस केस। तो अगर आप प्रॉपरली ड्रेस होकर बैठेंगे, तो ये आपके इंटरव्यूअर पर एक अच्छा इंप्रेशन देगा। जो थर्ड थिंग है, वो आपको चेक करना चाहिए आपका प्लेस ऑफ सिटिंग। तो आप जिस भी जगह बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, तो चेक कर लेना है कि वो जगह शांत जगह होनी चाहिए, जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं आनी चाहिए उस जगह पर। इससे क्या होगा कि आप इंटरव्यूअर को और इंटरव्यूअर आपको अच्छे से सुन पाएगा और आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दे पाओगे। तो फोर्थ स्टेप, चेक योर लाइटिंग अरेंजमेंट। आपको इंटरव्यू में अपियर होने से पहले अपना लाइटिंग अरेंजमेंट चेक कर लेना चाहिए, जैसे कि आपका जो लाइट है आपके फेस पर फ्रंट से आनी चाहिए, जिससे इंटरव्यूअर आपका फेस और आपका से विजिबल हुआ इंटरव्यू को। एंड प्लीज चेक ये भी करना है कि आपको कोई भी ब्राइट लाइट आपके बैकग्राउंड से नहीं आए, क्योंकि अगर बैकग्राउंड से कोई ब्राइट लाइट आएगी, तो आपका फेस क्लियरली विजिबल नहीं होगा इंटरव्यू। का टिप नंबर 5 इज डोंट बी इन स्ट्रेस। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और आपको जरूर याद रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको स्ट्रेस फील बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इंटरव्यूअर से फ्रीली होकर बात करनी है, आपको इंटरव्यूअर से स्माइलिंग फेस के साथ बात करनी है। ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरव्यू को दिखाएगा कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, और ये एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा इंटरव्यूअर पर। तो ये एक समरी है आपके इंटरव्यू की। तो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।